हेलो एवरीवन, मैं हूं फरहीन और आप लोग देख रहे हैं फरहीन क्लासेस। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी अहम रोल रहा है इनका। इन्हें हम लोग सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर के तौर पे जानते हैं। 11 अप्रैल को था इनका जन्मदिन, तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग ज्योतिबा फुले की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातों को। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ ही फरहीन क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जहाँ पर देखेंगे और जानेंगे हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के मौके पर कहा कि ज्योतिबा फुले को हमेशा याद किया जाएगा उनके कामों के लिए जो उन्होंने किया डाउन ट्रॉडन, यानी कि जो पिछड़े हुए लोग थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए, और साथ ही वुमेन्स एजुकेशन के लिए, हिंदुस्तान में औरतों की तालीम के लिए जो भी काम उन्होंने किया, उनके इन सारे कामों के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और ये मैसेज उन्होंने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने ट्वीट के ज़रिया दिया, ओके, ऑन दिस ओकेशन ऑफ ज्योतिबा फुलेस जयंती, दैट इज़ हिज बर्थडे। तो अब जान लेते हैं कि ज्योतिबा फुले, जिनका बर्थडे था कल और जिनको वाइस प्रेसिडेंट ने, जिनके बारे में इतनी अच्छी बातें भी कहीं, तो एक्चुअली में वो थे कौन, उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका नाम था महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले, जिन्हें हम लोग जानते हैं ज्योतिबा फुले के नाम से। 11 अप्रैल 1827 में उनका बर्थ हुआ था, एंड मेनली हम लोग उन्हें याद करते हैं एज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर एंड एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। साथ ही ज्योतिबा फुले एक बहुत ही अच्छे राइटर भी थे। इनके काम अगर हम लोग देखें तो मेनली इनका काम था, जो मेन फील्ड, जिस फील्ड से जुड़ा हुआ था, वो था इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, माने जो भेदभाव है समाज में उसके खिलाफ उन्होंने बहुत ही मुहिम चलाई, बहुत ही प्रोटेस्ट और एक तरह से उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश की। साथ ही औरतों की तालीम के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया, वुमेन इमैन्सिपेशन के लिए काम किया, उनके एजुकेशन के लिए, और जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके वेलफेयर के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा उन्होंने। सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने अपनी वाइफ सावित्री बाई को पढ़ना लिखना सिखाया, और फिर उनके साथ मिलकर एक इंडिजिनस स्कूल की फाउंडेशन रखी थी पुणे में, ठीक है, और वो स्कूल था सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फुले का, कि ये जो वर्ड दलित है, इसको इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट भी जाता है ज्योतिबा को। ये एक मराठी वर्ड है दलित, जिसका मीनिंग होता है ब्रोकन या क्रश्ड, ओके, और बाद में यही वर्ड देखते हैं हम लोग के 1970s के पीरियड में दलित पैंथर्स के नाम से काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज, जो उन्होंने बनाया था 24 सितंबर 1873 को। मेनली फोकस था इसका डिप्रेस्ड ग्रुप जो हैं, जैसे कि औरतें, वुमेन, शूद्रास, जो लोअर कास्ट के लोग थे, और दलित, ठीक है, इन सबों के राइट्स को, इनके राइट्स को दिलाना। और इस समाज के ज़रिए उन्होंने आइडियल वर्शिप को भी अपोज किया था और कास्ट सिस्टम को टोटली डिनाउंस किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है ज्योतिबा फुले का, ये सत्यशोधक समाज। पुणे बेस्ड एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था दीन बंधु। इस दीन बंधु के ज़रिया ही ज्योतिबा फुले अपनी सारी बातों को सामने रखते थे। इस सत्यशोधक समाज के मेंबर थे कुछ मुस्लिम्स, ब्राह्मण्स, और साथ ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी। अब जब दीन बंधु का नाम आया है तो इस दीन बंधु के बारे में भी जान लीजिए। दीन बंधु एक मराठी लैंग्वेज में एक वीकली न्यूज़पेपर था, जो कि पुणे में पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1877, और इसके फाउंडर थे कृष्णराव पांडुरंग भालेकर, ठीक है, और यही दीन बंधु एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है सत्यशोधक समाज के लिए, जहाँ पर वो
ये इन सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो डिप्रेस सेक्शन है, जो अनप्रिविलेज सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सामने रखते थे ज्योतिबा फुले थ्रू दिस मैगज़ीन और न्यूज़पेपर। ओके, और ये जो न्यूज़पेपर है, ये इंडिया का पहला ऐसा न्यूज़पेपर है जो मेनली लेबर क्लास और साथ ही जो पेजेंट वर्कर्स, इन सारे जो ये इस क्लास से जो बिलोंग करते थे लोग, उनके प्रॉब्लम्स को सामने लाता था ये पेपर। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दीनबंधु, इसके फाउंडर हैं कृष्णराव पांडुरंग भालेकर। तो इन सारे कामों के लिए ज्योतिबा को रिकग्नाइज भी किया गया था। अकॉर्डिंग टू धनंजय खीर, फुले को महात्मा का टाइटल दिया था किसने, एक दूसरे सोशल रिफॉर्मर ने जो बॉम्बे से थे, उनका नाम था विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर। और फुले की बायोग्राफी अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट बायोग्राफी उनकी लिखी गई थी मराठी लैंग्वेज में, जिसका नाम था महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे चित्र चरित्र, और इसे लिखा था पी एस पाटिल ने इन द ईयर 1927। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो ज्योतिबा ने खुद लिखी थी वो है जो तृतीय रत्न, ब्रह्मनाचे कसा एंड गुलामगिरी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन गुलामगिरी 1873 में। ओके, तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन ज्योतिबा फुले। अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आए तो इस क्लास फॉर इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDFs भी मिल जाए और नेक्स्ट जो आपको वीडियो अपलोड होने वाला है उसके नोटिफिकेशन से मिलते जाएंगे। ओके, आफ्टर द सब्सक्रिप्शन टू दिस YouTube चैनल। थैंक यू।